हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु और मैं यूट्यूब चैनल रितुस फूड जोन में आपका स्वागत है। तो चलिए आज की मज़ेदार रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है एक कटोरी चना दाल। अगर इसको ग्राम में मापा जाए तो ये 200 ग्राम है। इसको हम 6 से 7 घंटे के लिए भिगो देंगे। देखिए, मैंने भिगोने के बाद इसको ये इस टाइप की हो गई, मतलब एकदम अच्छी तरह से गल गई है। आप इस चाहें तो इसको ओवरनाइट भी सोक करके रख सकते हैं। इसका बना लेंगे अब एक पेस्ट, फाइन पेस्ट। इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ ये चने की दाल है। तो चलिए अब हम इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। इसको मैंने एक बाउल में निकाल लिया है। आराम से मिक्सर जार के जो होते हैं ना धार, उसकी लगना नहीं चाहिए आपके हाथों में, आराम से निकालना है। तो चलिए अब हम बनाते हैं इसके छोटे छोटे से भजिए। मैंने कढ़ाई ली है, उसमें ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और ये ऑयल गर्म हो गया और मैंने इसमें जितने बनेंगे छोटे छोटे से भजिए सावधानी पूर्वक डाल दिया है। अगर आपको हाथ से डालने की प्रैक्टिस नहीं है तो आप एक छोटी स्पून से भी ये डाल सकते हैं। जितने कढ़ाई में बनते हैं ऑयल की क्वांटिटी के हिसाब से आप उतने ही भजिए इसमें डालिए। तो आप पूरे भजिए डालने के बाद इसको हम चला देंगे और पलट पलट कर हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको सेक लेंगे। इसको सेकने में 2 से 3 मिनट लगते हैं। चलिए, ये सिक कर धीरे धीरे कंप्लीट हो रहे हैं। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसी टाइप से हम सेकेंड बैच भी बना लेंगे। तो आप मुझे बताइए कि आपको एक्सपेरिमेंट करने का शौक़ है कि नहीं है। मुझे तो बहुत शौक है, तो मैं नए नए एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। आप करते हैं कि नहीं मुझे कमेंट करके बताइए। कि सेकेंड बैच डाल दिया था और उसको भी हमने गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लिया है और ये भी हम सेम प्रोसेस से निकाल लेंगे। अब मैंने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर ठंडा होने के लिए रख दिया था। ये ठंडे हो गए हैं। अब मैं इसको मिक्सर जार में डालकर पीस लूँगी। इसका पाउडर फॉर्म में आता है जब तक हम इसका पीसेंगे। चलिए इसको पीस लेते हैं और देखते हैं उसके बाद कौन सी प्रोसेस करना है। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप, उसमें हम छानेंगे। तो मेरे पास ये झारा है इसलिए मैं ये ले रही हूँ, आपके पास ये नहीं तो जो भी है आपके पास इस टाइप का आप उसी से छान लीजिए। और नीचे जो भी फाइन पाउडर आटे जैसा मिला है आपको, वो सारे मिक्सचर से सेम बेसा ही छान कर तैयार करना। इसमें टाइम लग जाता है इसलिए मैंने इसको कट करके आपको पूरा आगे बताया था। देखिए, पूरे आटे को मैंने इसी तरह से छान लिया है। जो लास्ट में बचा था, जो मिक्सर जार, बड़े मिक्सर जार में नहीं पीसता, उसको मैंने छोटे जार में डालकर पीस लिया है। तो ये पूरा एक कटोरी दाल का इतना बनकर तैयार हो गया है। चलिए अब हम इसको भून लेते हैं। तो भूनने के लिए मैंने कढ़ाई ली है, उसमें डाला है 1.5 टेबल स्पून घी। ये पिघला हुआ, अगर आप पिघला हुआ घी ले रहे हैं तो आप 4 टेबल स्पून डाल लीजिए। मैंने पिघला हुआ घी नहीं लिया इसलिए 1.5 स्पून डाला है। घी गर्म हो गया और अब हम उस मिक्सर को डालते हैं जो हमने कंप्लीट कर रखा है। तो इसमें पूरा मिक्सर डाल देंगे मंदी आँच पर, लो फ्लेम पर। इसको 3 से 4 मिनट के लिए हम चलाते हुए भूनेंगे। इसको ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये भजिए जब आटे में फ्राई हुए थे तो ये भून चुके हैं अच्छे से। बस इसमें कोई सा भजिया कम या ज़्यादा सिका हो तो उसका सबका टेस्ट सेम हो जाए, इसलिए हम ये भून रहे। नहीं तो हम घी ऊपर से भी गर्म कर डाल सकते थे। आपने कभी भी दाल से बेसन चकती नहीं बनाई है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर ट्राई करिए। इसको सीखते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। हमने गैस बंद कर दिया और अब हम बना रहे हैं चाशनी। चाशनी बनाने के लिए जिस कटोरी से दाल ली थी उसी कटोरी से एक कटोरी शक्कर ली है और उसमें आधा कटोरी पानी डाला है। हम जितना कम पानी डालेंगे हमारी चाशनी उतनी ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगी। हमको ये एक तार की चाशनी चाहिए पर हम गैस पे हाफ तार की चाशनी बनाएंगे, पूरी तरह से तार नहीं बनेगा। उसके बाद हम इसको मिक्सर में डाल देंगे तो उसमें ये एक तार की चाशनी होने के साथ साथ क्वांटिटी
कंसिस्टेंसी सब बराबर हो जाएगा उसमें डालने के बाद। तो चलिए, चाशनी हमारी धीरे धीरे कंप्लीट होने लगी है, इसमें काफ़ी इम्प्योरिट दिख रही है, तो उसको हटाने के लिए हम इसमें हाफ टेबल स्पून दूध डालेंगे। दूध से जितनी भी चाशनी की गंदगी है, सॉरी शक्कर की गंदगी है, वो चाशनी से बाहर निकल जाएगी। इसको थोड़ी देर चलाने के बाद, मतलब हिलाने के बाद, इसकी इम्प्योरिटीज़ जो है ना वो ऑटोमेटिकली किनारों के पास आ जाएगी और हम उसको निकाल के साइड में कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसकी इम्प्योरिटीज़ आ गई है बाहर, शायद आपको लाइटिंग की वजह से अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, पर ये काफ़ी ब्लैक ब्लैक सा निकला है। देखिए ये इतना ही गंदा जितना दिख रहा ना, इतना ही गंदा निकला था। ये शक्कर थोड़ी सी कम गंदी थी, इसमें कम धूल मिट्टी थी तो कम निकला। कोई कोई सी चीनी ज़्यादा येलोइज होती ना, तो उसमें से ये ज़्यादा निकलता है। तो इसी तरह से हम सारा निकाल कर बाहर फेंक देंगे, आई मीन एक कटोरी में इकट्ठा कर लेंगे, नीचे नहीं गिराना है ताकि सॉरी नहीं तो घर में चीटियाँ हो जाएगी किचन में प्लेटफॉर्म के ऊपर, और प्लेटफॉर्म भी काफ़ी गंदा हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरा निकाल लेंगे। और अब हम मैं दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितनी इम्प्योरिटीज इसमें से निकाली है। ये चाशनी एकदम क्लीन हो गई है और हाफ तार बन रहा है इसका। देखिए ये हाफ तार आपको दिख रहा है, मतलब आधा तार बन रहा है, ये पूरा तार नहीं बन रहा है। तो चलिए आगे की प्रोसेस देख लेते हैं, इसका हमें क्या करना है। तो गैस बंद करने के बाद ये पहले तो इम्प्योरिटीज़ देख लीजिए आप, इतनी गंदगी निकली है इसमें से। हमने गैस बंद कर दिया और अब हम इसको मिक्सर में ऐड कर देंगे और इसको पकाएंगे जब तक कि ये बर्फ़ी जमने वाली कंसिस्टेंसी में मिक्सचर नहीं आ जाता है। जब तक मिक्सचर उस कंसिस्टेंसी में आएगा तो चाशनी भी एक तार की हो चुकी होगी। इसका पता कैसे लगाएंगे? इसका पता जब लगेगा, जब आप बेसन चक्की को कट कर कर निकालेंगे, जब एकदम परफेक्ट निकलेगी ना, तब आपको पता चलेगा कि चाशनी परफेक्ट हो गई थी। देखिए एक मिनट चलाने के बाद ये इस कंसिस्टेंसी में आ गया और अब इसको एक मिनट हम और चला लेंगे। चलिए चलाते चलाते, हाँ अगर आपको ये आसान सी रेसिपीज पसंद आती है तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेंगे, उससे कि आप इस आसान सी रेसिपी को सबसे पहले ट्राई करेंगे। हाँ, सब्सक्राइब करने के बाद जो सब्सक्राइब के सामने बेल आइकन घंटी का निशान होता है उसको टच करिए, उस पर हाथ रखिए, उस पर ऑल का जो ऑप्शन आता है उसको टच कर दीजिए। सबसे पहले जैसे ही मैं अपलोड करूँगी उसी पल आपके मोबाइल में यूट्यूब में वो नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा। तो चलिए बातें करते करते ये कंप्लीट हो गया। मैंने एक चुटकी इसमें फूड कलर डाला है, ये ऑप्शनल है, आपका मन हो तो आप डालिए, ये तो कोई दिक्कत नहीं, बस इससे कलर थोड़ा सा अच्छा आता है, टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये कंप्लीट हो गया है और मैं अब गैस को बंद कर दूंगी। अब हम चलते हैं उस प्रोसेस की ओर जिससे बनेगी हमारी बेसन चक्की। तो उसके लिए मैंने एक जो आटे गूंदने वाली परात है छोटी सी है उसको लिया है, उसमें घी डालकर हम अच्छे से उसको ग्रीस कर लेंगे। अगर ग्रीस नहीं करेंगे तो आपकी बेसन चकती नहीं निकल पाएगी, जम तो जाएगी बट निकलेगी नहीं, तो ये इम्पोर्टेंट है। आप घी की जगह ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं। तो इसको हम इसमें पूरे मिक्सचर को डाल देंगे फटाफट से और हम इसको फिर फैलाते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको एक लाइक ज़रूर करिए, मैं बहुत मोटिवेट हो जाती हूँ आपके लाइक से और कमेंट से। तो प्लीज़ कमेंट भर भर के करा करो यार, आप क्या नाइस टेस्टी यम्मी नहीं, भर भर के कमेंट करा करो आप लोग, क्या जाता है आपका लिखने में, मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़कर। मैं आपको रिप्ले भी करती हूँ, अगर आप मुझसे कुछ पूछोगे ना तो मैं उसका रिप्ले डेफिनेटली करूँगी। तो देखिए ये कंप्लीट हो गया, अच्छे से जमा लिया है मैंने इसको, कटोरी से हाथ चल रहा था इसलिए मैंने कटोरी में थोड़ा सा घी लगाकर उससे इसको ऊपर से अच्छे से चिकना कर दिया है। आप भी ऐसे ही कर सकते हैं कटोरी लेकर, अगर आपका हाथ नहीं जलता तो आप हाथ से भी कर सकते हैं। तो चलिए अच्छे से
हो गया है ये, इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने के लिए सेट होने के लिए छोड़ देते हैं। तो देखिए हम इसको छोड़ रहे हैं और उसके बाद हम देखते हैं ये ठंडा हुआ कि नहीं। तो ये ठंडा हो चुका है 10 से 15 मिनट के बाद। और अब हम करते हैं इसके फीस। तो उसके लिए मैंने कट करने के लिए मैंने लिया पिज़्ज़ा कटर। पिज़्ज़ा कटर नहीं हो तो आप जो किचन में प्याज लहसुन काटने के लिए छुरी होती ना उस पर घी लगाकर आप उससे भी इसको कट कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कट हो जाएगा। तो आप अपने हिसाब से छोटे बड़े या किसी भी डिज़ाइन में फीस कट करने आप काट सकते हो। मैंने स्क्वायर करे हैं तो एक बार इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई करिए। अब मैं आपको इसको निकाल कर दिखाती हूँ। पहले हम इसके साइटों से एक छुरी लेंगे और किनारे छुड़ा देंगे, जो अगर पहली बार तो चिपका नहीं होगा, हमने अच्छे से इसमें घी लगाया है, हो सकता है कभी चिपक भी जाए तो ये आसानी से निकल जाए। मैंने साइड से थोड़ा सा निकाला था तो ये अच्छे से निकल रहा है। ये जो साइड वाले होते हैं ना वो फीस प्रॉपर नहीं निकलते हैं, जो बीच वाले होते हैं ना वो एकदम प्रॉपर निकलते हैं। अभी ये थोड़ा सा गीला है तो थोड़ा आपको लग रहा होगा कि ये सेट नहीं हुआ, पर इसको 15 से 20 मिनट और रख दीजिए, कट करने के बाद ये बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। देखिए लग रहा ना एकदम बेसन चक्की, जो हम बेसन के आटे को पूड़ी बनाकर सारी प्रोसेस करके बनाते हैं, ये बहुत सॉफ्ट और टेस्टी बना था। तो एक बार इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। तो इसी तरह से मैं पूरे फीस निकाल लूँगी। पूरे फीस निकाल लिए हैं और अब मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक कटोरी दाल से इतने फीस बनकर कंप्लीट हुए हैं, मतलब आधा किलो बेसन चक्की से ज़्यादा ही होगा, आपका पूरा परिवार आराम से खा सकता है। तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।